बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर हम अपना स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 16, चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ। चैप्टर का नेम है एटम्स मॉलिक्यूल्स मिक्सर्स एंड कंपाउंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, ठीक है, जिसमें हमने ये कहा था जब हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है मेटल्स और दूसरी है हमारे पास नॉन मेटल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स। हम मेटल्स को डिफाइन करेंगे, हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसकी यूजेस की बात करते हैं कि मेटल्स को हमने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं मेटल्स को। मेटल्स क्या है? मेटल्स ऐसे सॉलिड मटीरियल हैं जो कि हार्ड भी होते हैं, शाइनी भी होते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की पावर भी होती है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि हार्ड हो, शाइनी हो यानी इनमें चमक भी हो और उनके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी करवा सके, यानी इनके अंदर से हीट भी पास की जा सकती है, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास करवाई जा सकती है, तो ऐसे मैटर को हम क्या बोलते हैं? ये हम मेटल्स का नाम देते हैं। आपकी बुक पे यहाँ पे बाकायदा पूरा टेबल बना हुआ है, वहाँ पे सारी इसकी एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई है। यहाँ पे जस्ट मैंने दो एग्जाम्पल इसकी मैंशन की है मेटल्स की, आयरन और सिल्वर, ठीक है। उसके अलावा काफी सारी एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक के अंदर पूरा टेबल बना है, वहां से आप उन्हें देख लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जितने भी तकरीबन एलिमेंट्स हैं उनमें से जो 70% एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? वो मैटर्स हैं, ठीक है। इनकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं उसकी बेस पे इनको बहुत ज्यादा डेली लाइफ में यूज किया जाता है। क्या क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वो देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे 3 पॉइंट्स मेंशन है आपकी बुक के अंदर। सबसे पहली बात कि जो मैटर्स हैं, अभी हम इसकी डेफिनेशन अभी बात की है, ये शाइनी होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं, शाइनी और ग्रे सॉलिड्स होते हैं यानी हार्ड भी हैं। अभी हम इसकी डेफिनेशन में ये बात करते हैं और यही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इनको मोल्ड किया जा सकता है। ये इनकी बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी है, खसूसियत है कि इनको हीट करने से, गर्म करने से हम इनको रीशेप कर सकते हैं, इनको मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड करने का क्या मतलब है? इनको मोल्ड करना यानी इनको दोबारा से एक नई शक्ल में ढाल देना, ठीक है। हीट करेंगे उसको, ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, उसको हम रीशेप कर सकते हैं कि नई शक्ल में इसको तब्दील कर सकते हैं। ये इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसे यूज किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने कंडक्टिविटी की बात की है कि ये बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, थर्मल कंडक्टिविटी भी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिहाज से भी। इनके अंदर से हीट भी पास की जा सकती है और इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास की जा सकती है। तो ये क्या है? ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम इनके यूजेस देख लेते हैं, इनको डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो जो इनके यूजेस हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं स्टेट की। पहले हम बात करके आए हैं एलिमेंट्स के बारे में, हमने कहा था 3 फॉर्म में 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, यानी सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, गैसियस स्टेट में भी होते हैं। तो स्टेट की बेस पे भी इनका जो यूज है वो हम देख रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेट की, तो ज्यादातर जो हमारे पास मेटल्स हैं वो हार्ड होती हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने बात की है मरकरी की, अभी हम पहले भी इसके बारे में बात करते हैं, जो मरकरी है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से इसको कहाँ पे यूज किया जा रहा है? इसको थर्मोमीटर के अंदर फिल किया जाता है, फिर उससे हम टेम्परेचर इंडिकेट करते हैं किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, उसको मेजर करने के लिए फिर हम इस थर्मोमीटर को यूज करते हैं, जो कि फिर इस मर्करी जो लिक्विड उसके अंदर फील है फिर उसकी बेस पे हम बताते हैं वो कितनी सर्टन हाइट तक जाता है या वो कितना लो आता है, उसकी बेस पे फिर हम बताते हैं किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो स्टेट की बेस पे इसका पहला यूज हम इसकी बात कर रहे हैं कि लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि मर्करी जो है ये एग्जिस्ट करता है, ये मेटल है और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से इसको थर्मोमीटर में फिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से फिर हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं किसी बॉडी में। ये इसका हो गया पहला यूज, इसका पहला इस्तेमाल डेली लाइफ में। नेक्स्ट हार्डनेस डेफिनेशन में भी हमने बात की है, हमने ये भी कहा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हार्डनेस की वजह से, क्योंकि मेटल्स बहुत हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, उस वजह से इसको यूज किया जा रहा है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जिस तरह से आयरन है, लोहा बहुत हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है, इस आयरन को कहाँ पे यूज करते हैं? इसको स्टील बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर फर्दर स्टील को हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? स्टील से फिर हम डिफरेंट हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, जिस तरह से हम इसको रेल्स या शिप्स या ब्रिजेस वगैरह, पुल वगैरह बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। और उसके अलावा स्टील के बर्तन भी होते हैं, वहां पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट पर्पजेज के मजीद फिर हम इसको यूज करते हैं। तो ये इसकी एबिलिटी या इसका यूज इतना ज्यादा क्यों है, जस्ट ड्यू टू इट्स हार्डनेस, इसकी हार्डनेस की वजह से, क्योंकि बहुत हार्ड है, जल्दी से ये खराब नहीं होता, तो उस वजह से, हार्डनेस की वजह से फिर हम इसको यूज कर लेते हैं। किसमें इसको फिर हम ये डिफरेंट अपनी जो हमारे पास डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनमें इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक अबिलिटी है, लस्टर इसको बोलते हैं। लस्टर क्या है, जो फ्रेशली कट मेटल होती है उसके ऊपर एक शाइन आती है, चमक आती है, उस शाइन को, उस ब्रिलियंट शाइन को, उस चमक को हम क्या नाम देते हैं, लस्टर का नाम देते हैं। इसी शाइन की वजह से, चमक की वजह से फिर जो मेटल्स हैं इनको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल जिस तरह से यहाँ पे दी गई है, एलुमिनियम है ज्यादातर जो हमारे पास, हम ये कहते हैं एलुमिनियम को, तो एक तो हम यूटेंसिल यानी बर्तन वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा पिक्चर्स के फ्रेम होते हैं, या एलुमिनियम ग्लास को यूज किया जाता है विंडोज में, ठीक है, खिड़कियों में। तो ये किस वजह से है, ये इसकी अबिलिटी की वजह से है, यानी जो एक ब्रिलियंट शाइन आता है इसके अंदर, एक चमक है, उसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। या हमारे पास और एग्जाम्पल है गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड के अंदर भी बहुत शाइन होती है, बहुत चमकदार होता है, ठीक है, या सिल्वर है, तो इनको भी हम किस लिए, हम इस प्रॉपर्टी की वजह से, लस्टर जो इनकी प्रॉपर्टी है ब्रिलियंट शाइन की, उसकी वजह से हम इनको यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स यानी सजावट के तौर पर जो भी चीज हम बना रहे हैं उसमें हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, कि ये इनकी फिजिकल एक प्रॉपर्टी है कि जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, वो हाई होते हैं। तो इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको यूज किया जाता है किचन यूटेंसिल्स बनाने के लिए, जो हम कुकिंग में यूज करते हैं बर्तन, वो बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। क्यों फिर हम यूज करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई है, ठीक है, जल्दी से वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, तो एक लंबे अरसे तक वो चल जाते हैं, वो डैमेज नहीं होते हैं जो भी हम यहाँ पे यूटेंसिल जिनसे बना रहे हैं। तो किचन के बर्तन बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है इस अबिलिटी की वजह से कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी। अब ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, तो स्ट्रेंथ यानी स्ट्रॉन्ग बहुत होता है, मेलेबल होता है, अभी हमने बात की थी कि हम इसको रीशेप कर सकते हैं, हम इसको मोल्ड कर सकते हैं, तो उसकी वजह से मेटल्स को हम किस फॉर्म में, हम इसकी शीट्स भी बना सकते हैं, हम इसकी वायर्स भी बना सकते हैं, या इसको स्क्रीन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये किस वजह से है, ये जिसकी प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ और मेलेबिलिटी, वो स्ट्रांग होता है, लंबे अरसे तक वो चीजें चल जाती हैं। दूसरा मेलेबिलिटी यानी हम इसको मोल्ड कर सकते हैं, हम इसको किसी शेप में ढाल सकते हैं, तो ये डिफरेंट इससे भी हम ये चीजें बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अबिलिटी की वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं। लास्ट में हमारे पास आगे कंडक्टिविटी, हम इसकी डेफिनेशन में भी बात करके आए हैं कंडक्टिविटी की, हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी बात की है कंडक्टिविटी की, कि मेटल्स का ज्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी, इनके अंदर से हीट भी पास की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास की जा सकती है, तो हम ये कहते हैं कि बहुत अच्छी कंडक्टर है, इसी बेस पे इनको इलेक्ट्रिकल वायरिंग में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी मेटल्स के बारे में हमने बात की, हमने देखी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हमने देखा कि उनको डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में।